हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ गाजर की स्वीट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये दिखने में ही जितनी टेस्टी और यमी दिख रही है ना, उतना ही इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये लंबे लंबे साइज़ के गाजर लिए हैं और इन गाजरों को मैं छिल्लर की मदद से छील लूँगी। साथ में हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आजकल के सीज़न में गाजर तो बहुत मिलते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी बनाना। और इसे इस तरीके से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये मैंने अपने सारे गाजर कट कर लिए हैं। अब मैं इसे प्रेशर में डाल देती हूँ और इसे मैंने उबालना है। हमें इसे प्रेशर में एक सीटी देनी है। चाहें तो आप ये प्रोसेस कढ़ाई या पतीले में भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें हाफ ग्लास वाटर डाल रही हूँ। हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से नहीं गलाना है, इसलिए ध्यान रहे कि सिर्फ एक ही सीटी हमें इसमें निकालनी है। तो एक सीटी आ गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस तरीके से गाजर रेडी करना है उबाल के। तो हमें इस तरीके से, देखिए, जिसे थोड़ा टाइम लगे, इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से नहीं गलाना है। और अब हम इसके पानी को गाजर से अलग कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो गाजर का पानी है ना, ये फेंकना नहीं है, इसे हम आगे मिठाई बनाते हुए यूज़ करेंगे। अब गाजर ठंडे हो गए हैं और हम इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड कर देते हैं और एक इसका फाइन पेस्ट रेडी करेंगे। याद रखिएगा कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो देखिए, मेरा एक फाइन पेस्ट रेडी हुआ है। पर आप याद ज़रूर रखिएगा कि हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे पीसते हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये जो हमने गाजर बॉईल किया था उसका ही का पानी है और अब मैं इसमें 3 स्पून अरारोट डाल रही हूँ और इसका हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे और इसे अलग रख लेते हैं। इस तरीके से हमें ये पेस्ट रेडी करना है। अब दूसरी तरफ हम गैस में पैन चढ़ाएंगे और जो हमने गाजर का पेस्ट डाला था उसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसमें जो पानी हो वो सूख जाए। तो अब ये लग रहा है कि ये बिल्कुल सूख चुका है। तो इस स्टेज में हम इसमें चीनी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी की जगह चीनी का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप चीनी डालिएगा। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसे थोड़ा पका लेते हैं। अब लास्ट में हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने ये अरारोट का पानी रेडी किया है उसको हम इसमें धीरे धीरे करके डाल देंगे। और फिर इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर याद रहिए कि इसको हमें रेगुलरली चढ़ाना है क्योंकि अरारोट एकदम से गाढ़ा होने लगता है और उसमें लम्स बनने लगता है। तो देखिए, हमारा इस तरीके से मिक्सचर रेडी होएगा और लास्ट में हम फ्लेवर के लिए इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये कितने सुंदर कलर के साथ रेडी हो रहा है। तो अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पैन को अच्छी तरीके से छोड़ ना दे। इसको सेट करने के लिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से ग्लास चाहिए या कांच के बाउल्स हों या स्टील के भी हों, जो आपके पास अवेलेबल हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। और उसको सेट करने के लिए आपको इसमें चारों तरफ थोड़ा सा बटर या ऑयल, जो आपको बेटर लगे आप वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सारे ग्लासेस रेडी कर लेंगे। तो मैंने अपने सारे ग्लासेस इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अपने मिक्सर को देखते हैं कि वो कितना रेडी हुआ है। तो ये लगभग हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे सेट होने के लिए हम ग्लास में डालेंगे। तो चलिए इसे ग्लास में डालते हैं। तो इस तरीके से हम इसे ग्लास में भर देते हैं और जब हम इन्हें ग्लास में भर देंगे तो उसके बाद हम इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है फ्रेंड्स, फ्रिज में रखना है। और इसे इस तरीके से थोड़ा टैप कर लेते हैं ताकि अगर एयर बबल्स बने हों तो वो ना रहें। और 4 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। 4 घंटे बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमारी जो स्वीट है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। और अब हमें क्या करना है, हमें एक नाइफ़ की मदद से इसको चारों तरफ से थोड़ा अलग कर लेंगे।
वैसे तो ये आराम से छूट जाएगा, पर अगर हमारी स्वीट टूटे ना तो उसके लिए हमें इस तरीके से थोड़ा सा नाइफ से हेल्प ले लेंगे ताकि ये आराम से ग्लास से रिमूव हो जाए। और अब एक प्लेट में इस तरीके से ग्लास को उल्टा करेंगे और थोड़ा सा इसे टैप करेंगे और आप देखेंगे ये आसानी से निकल गई। वाओ, यम्मी टेस्टी मिठाई रेडी। तो देखेंगे आप, ये इसका लुक कुछ चमचम टाइप मिठाई का होगा। तो अब लास्ट प्रोसीजर इसे गार्निश करने का, तो इसे हम नारियल के पूरे में अच्छी तरीके से डीप करके इसे रेडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उसके बाद इतनी सुंदर और टेस्टी, सुंदर तो लगी रही है पर खाएंगे आप तो ये बहुत टेस्टी लगेगी आपको, तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी यमी गाजर की स्वीट रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिएगा। तो देखिए हमारी मिठाई रेडी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।